हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे महान परमेश्वर जी, अज दे इस सुंदर समय दे लई मेरे सामर्थी प्रभु जी। खुदा, जो तुसी अपने बच्चियां दे लई ठहराया मेरे सामर्थी प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी। बहुत सारे लोग अज दे इस सुंदर समय नूं नहीं देख पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, अज दी इस सुंदर सुबह नूं नहीं देख पाए, पर तुसी अपने बच्चों इस योग्य किया कि असी तुहाडे इस पवित्र दिन नूं देख सकीए। मैं इहदे लई तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच तुसी महान हो प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरी बुद्धि है, तू मेरी चट्टान है, मेरे मस्तक नूं उच्चा करन वाला मेरा उच्चा गढ़ है मेरे सामर्थी परमेश्वर। तू सच्ची प्रकाश दी जो है मेरे प्रभु जी, तू न्यायी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। अज जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल ने मेरे सामर्थी प्रभु जी, हे मेरे प्रभु, अज उन्हां सब लोगों की जिंदगी बदल जाए, इन्हां दी पाप भरी जिंदगी अज खत्म हो जाए, इन्हां नूं अज सुंदर और अच्छी जिंदगी मिले मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच मेरे सामर्थी प्रभु जी, जो अज लोग आसा नूं छड्ड चुके ने, टुट चुके ने, पवित्र आत्मा जी, अज तेरा आत्मा इन्हां नूं फिर तो गंढे, फिर तो जोड़े मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। मेरे प्रभु, सचमुच तुहाडे वचन दीआं गहराईआं नूं जाण सकन, तुहाडे पवित्र प्रेम नूं समझ सकन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। सचमुच तुसीं कहा है मत्ती 19:26 विच, तद यस्सू ने उन्हां वल वेख के उन्हां नूं कहा, इह मनुख तों अनहोणा है पर परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, सचमुच जो इंसान सोच रहे हैं कि सचमुच मैं अपनी जिंदगी तो हार चुका हाँ मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, जो इंसान अज अंदरों टुट चुके ने, अज तेरा आत्मा फिर तो उन्होंने खड़िया करे अपने सामर्थी परमेश्वर जी। मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे सामर्थी प्रभु, अज तेरा आत्मा परमेश्वर उन्होंने लिए सब कुछ मुहैया करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, जो लोग अज कोर्ट कचहरियां दे विच रुल रहे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा तेरा आत्मा उन्होंने एक एक जन नूं छूवे और परमेश्वर ये अपने हर एक केस के उपर जित जान प्रभु यीशु के नाम दे विच। खुदा, सचमुच प्रभु, जो भी लोग ये मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, पिता, जो भी पति पत्नी दे विच तलाक की नौबत आ चुकी है मेरे सामर्थी परमेश्वर, कुछ खुदा अज तेरा आत्मा एक एक जन नूं छूवे और पवित्र आत्मा जी हर तरह की गंदी दी योजना इन्हां दी जिंदगी विचों खत्म हो जाए यीशु दे नाम दे विच। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, सचमुच तुहाडे ते विश्वास करन वाले बन जाण, क्योंकि तुहाडे वचन मरकुस 9:23 दे विच लिखिया, यीशु ने उन्हां नूं आख्या, जे तुसीं कर सकदे हो तां प्रतीत करन वालियां दे लई सब कुछ हो सकदा है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, ये सचमुच अज विश्वास ना भर जाण, ये तुहाडे ते उम्मीद रखने वाले बन जाण, ये शक करन वाले ना बनन मेरे सामर्थी परमेश्वर, ये तुहाडे ते प्रतीत करन वाले बन जाण मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु जी, जो भी लोग पवित्र आत्मा जी सामर्थी परमेश्वर जी बाहर जाण दे विच जिन्हां दे जीवनां दे विच रुकावट आ रही है, दुष्ट ने रुकावट नूं खड़ा कीता है मेरे सामर्थी प्रभु जी, जो भी वीजा रिफ्यूजल दे विच पवित्र आत्मा जी दुष्ट इन्हां दी जिंदगी च काम कर रहा है, अज तेरा आत्मा इन्हां नूं छुड़ावे यीशु दे नाम च मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, सचमुच हर एक रिफ्यूजल इन्हां दी जिंदगी दे विचों खत्म हो जावे यीशु दे नाम च पवित्र आत्मा जी। तुसीं इन्हां सब लोगों नूं सिर ठहराया है मेरे सामर्थी प्रभु जी, ये पूछ नहीं सिर है मेरे प्रभु, तुसी इन्हां नूं सिर ठहराया है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, तुसी इन्हां नूं सब जातियां तो उच्चा किया है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा, हर तरह की रिफ्यूजल इन्हां दी जिंदगी दे विचों कैंसल हो जावे पवित्र आत्मा जी, और सचमुच जिस भी कंट्री दे विच जाना चाहुंदे ने तेरा आत्मा इन्हां दी अगवाई करे, जिस तरह मूसा की अगवाई करता सी मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। सचमुच तुहाडे अगे प्रार्थना करन वाले बन जाण पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तुहाडे वचन मत्ती 7:7 विच लिखिया, मंगोगे तां तुहानूं दित्ता जावेगा, ढूंढोगे तां तुहानूं लब्भेगा, खड़काओगे तां तुहाडे लई खोलिया जावेगा। परमेश्वर, सचमुच तू जिउंदा परमेश्वर है, जो साडियां प्रार्थनावां नूं साडियां बेनतियां नूं सुणदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। सचमुच ये तुहाडे कोलों मंगण वाले बन जाण मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। ये किसी भी वस्तु ते विश्वास ना करन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, ये किसी भी तरह की मिट्टी ते विश्वास ना करन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। ये खुदा, ये सचमुच साडे पवित्र आत्मा ते विश्वास करन वाले बन जाण, ये तुहाडे वचनां दे उपर विश्वास करन वाले बन जाण मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो भी इहनां नूं डॉक्टरां ने कहा है कि
नहीं बच सकते मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु ये तुहाडे वचन ते मनन करन वाले बन जाण मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। मेरे पवित्र आत्मा जी सचमुच जो भी डॉक्टरां ने इन्हां दे अंदर डर पाया है मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो भी बीमारी आने इन्हां दे जीवन दे विच डर पाया है परमेश्वर जी, तेरा आत्मा हर तरह के डर नूं इन्हां दी जिंदगी दे विचों कढ दे और मेरे सामर्थी परमेश्वर जी इन्हों जो भी ये मंगते ने मिले पवित्र आत्मा प्रभु येशु के नाम च। खुदा तुहाडे वचन रोमिया 8:32 दे विच लिखिया, जिन्हें अपने ही पुत्र दा भी सरफा ना किया सगो उसनू असा सबना दे लई दे दिता, सो उहदे नाल सारियां वस्तां भी तुहानू किकर ना बख्शेगा। पवित्र आत्मा जी सचमुच तुसी अपना इकलौते पुत्र प्रभु येशु मसीह नू साडे लई क्रूस उत्ते कुरबान कर दिता। मैं विश्वास करदा जो साडे लई पवित्र आत्मा जी तुसी धरती दे उत्ते आए, साडे लई मारे गए, काड़े गए और तीसरे दिन मुरद्यां दे विचों जी उठे मेरे सामर्थी परमेश्वर, साडियां सोचां नू जिंदा करन लई, साडे मुरदे कम्मां नू जिंदा करन लई, साडियां बीमारियां नू खत्म करन लई मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, सानू हर एक वस्तु दे उपर जीत देण लई, सानू सबो जातियां दे विच उच्चा करन लई तुसी धरती दे उत्ते आए। मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी कि तुसी साडी प्रार्थना नू, तुसी साडी बेनती नू सुणदे जी मेरे महान परमेश्वर जी। जिन्हां भी लोकां दे जीवनां दे विच, जिन्हां दे परिवार दे विच लड़ाई झगड़ा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा अज लोग बदल जाए, उन्हों की जिंदगी बदल जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, हर तरह का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु के नाम च मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। तेरा आत्मा खुदा एक एक जन में छुवे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, क्योंकि तुम सा प्रार्थना बेनती सुनते हैं पवित्र आत्मा ही। थोड़े वचन के लिखा मत्ती 18:19 के लिखा, फिर मैं तुम्हें आखदा हाँ जो थोड़े विचों दो जने धरती उत्ते किसी काम लिए मिल के बेनती कर मेरे पिता वालों जोड़ा स्वर्ग में है उन्होंने किया जाएगा। परमेश्वर सचमुच तुम सा प्रार्थना बेनती सुनते हैं पवित्र आत्मा जी। जो भी लोग अज इस प्रार्थना दे विच एक मन हो के शामिल ने मेरे सामर्थी प्रभु, तुसी अज उन्हां दी प्रार्थनावां नूं सुनो परमेश्वर जी। सचमुच हर एक तरह की गंदी दुष्ट आत्मा उन्हां नूं जिंदगी दे विचों कमांड करदा कि निकल जावे इसे पल पवित्र आत्मा जी। सचमुच हर तरह के केसां नूं जितण लग जाणा अपने जीवन दे विच, हर तरह की तलाक लियाउण दी नौबत पवित्र आत्मा जी इन्हां दी जिंदगी च कदी ना आवे परमेश्वर। ये आपसी प्रेम दे विच इन्हां दा जीवन बतीत होवे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। हर तरह का वीज़ा रिफ्यूजल कैंसल हो जावे यीशु के नाम दे विच। हर तरह की बीमारी पवित्र आत्मा जी, हर तरह की कैंसर, हर तरह की बुरी रोग इन्हां दी जिंदगी दे विच अज खत्म हो जाण यीशु के नाम च हे मेरे सामर्थी प्रभु जी। जो भी पवित्र आत्मा जी दुष्ट ने इन्हां दे जीवन दे विच लड़ाई झगड़े नूं पैदा किया, जिहड़ा आत्मा एक एक नूं छुड़ावे, आजाद करे दुष्ट दे सारे काम इन्हां दी जिंदगी दे विचों फेल हो जाण यीशु दे नाम च। खुदा तेरा आत्मा एक एक जन नूं छुवे, मैं विश्वास करदा तेरा आत्मा एक एक जन की अगवाई कर रहा है जो भी इस प्रार्थना दे विच शामिल ने। सचमुच पवित्र आत्मा जी जो भी एक मन हो के इस प्रार्थना दे विच शामिल ने, तेरा आत्मा उन्हां दे घरानियां नूं विच पवित्र आत्मा जी उन्हां जीवन नूं बदलन जा रहा है यीशु दे नाम दे विच। मैं विश्वास करना खुदा इन्हां नूं तुसी सब जातियां तों उच्चे करन वाले हो मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। सचमुच खुदा अज बहुत वड्डियां खुशखबरियां नूं सुनन वाले ने मेरे सामर्थी परमेश्वर। अज दे दिन दे विच तुसी अज इन्हां दी जिंदगी नूं बदल दिता है, मैं विश्वास करदा। तेरे वचन च लिखा विश्वास करन वाले लई सब कुछ होएगा, मैं विश्वास करदा जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल ने उन्हां दी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है परमेश्वर जी। तुहाडे आत्मा ने उन्हां नूं बदल है पूरी तरह। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, तुसी साडी प्रार्थना नूं, तुसी साडी बेनती नूं अपने स्वर्ग राज दे विच कबूल कीता है। सारी आदर सारी महिमा प्रभु तुहाडे नाम नूं जावे, प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमेन।